Hi friends, welcome to my today's video. So today I will do the question number 1 to 4 of exercise 1.4 of Maths Park in Danica Learning Book 8 through our tradition. Okay, so friends, let's start. सबसे पहला क्वेश्चन, समीता टेक्स टू होल 1/3 hours टू कंप्लीट 1 round ऑफ जॉगिंग इन अ पार्क. सो समीता को लगते हैं 2 whole 1/3 यानी 2 घंटे और उसमें से 20 minutes टू कंप्लीट 1 round ऑफ जॉगिंग इन अ पार्क. सो जॉगिंग का 1 round करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे अगर वो 6 rounds उस पार्क के लगाना चाहती है. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले टाइम फॉर 1 round वो आ जाएगा 2 whole 1/3 hours. टाइम फॉर 6 round कितना हो जाएगा 2 whole 1/3 into 6 जो कह देगा 7/3 into 6 3 6 के साथ कट हो जाएगा 6 की जगह पर आ जाएगा 2 एंड 7 into 2 कितना हो जाता है 14. सो हमारा आंसर आ जाएगा 14 hours. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन. अ कार कवर्स 12 whole 3/2 kilometer इन 3 whole 1/4 hours. सो एक कार है जो कि कवर करती है 13 किलोमीटर के आसपास क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है जैसे कि 3 whole 1/4 hours. सो हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है. सो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था. सो उसका मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सो स्पीड का इक्वल आ जाएगा 12 whole 3/2 divided by 3 whole 1/4 27/2 divided by 13/4. इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल क्योंकि डिवाइड करना हो अगर रेशनल नंबर्स को. सो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है 27/2 into 4/13. 4 को 2 के साथ कट कर देने यहाँ पर आ जाएगा 2. 2 into 27 कितना हो जाएगा 54. नीचे आ जाएगा 13. 54/13 आ जाएगा 4 whole 2/13 per hour. ये हमारी स्पीड है. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 6 whole 1/2 meter एंड 2 whole 2/5 meter रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सबसे पहले लेंथ है 6 whole 1/2 meter जो कि बन जाएगी 13/2 meter. ब्रेथ है 2 whole 2/5 meter यानी 12/5 meter. पेरीमीटर आ जाएगा 2 whole length into breadth. तो सो ये हो जाएगा 2 into 13/2 plus 12/5. इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा जो डिनोमिनेटर से उनका एलसीएम आ जाएगा 10. सो ऊपर वालों का भी 10 के साथ ही चेंज करना पड़ेगा. 65 plus 24 जो कि आ जाएगा 89/10. सो 2 into 89/10 10 को हमने कट कर देना 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 5. सो 89/5 यानी 17 whole 4/5. ये है हमारा पेरीमीटर. एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो देखो इसके लिए हो जाएगा 13/2 into 12/5. 12 2 के साथ कट हो जाएगा 6 आ जाएगा. 13 into 6 78/5 है 78/5. इसको अगर हम चेंज करें मिक्स फ्रैक्शन में सो ये बन जाएगा 15 whole 3/5. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 rational numbers इज 14/15. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 1 whole 2/5 देन फाइंड द अदर. सो जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट है वो है 14/15. अगर एक नंबर है 1 whole 2/5 सो हमने फाइंड करना है दूसरा. सो देखो लेट नंबर बी एक्स एंड 1 whole 2/5 इज इक्वल टू 7/5. ये हम पहले ही ले लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हो जाएगा 7/5 into x इज इक्वल टू 14/15. 7/5 का हो जाएगा रेसिप्रोकल इधर ही साइड पर जाकर मल्टीप्लाई तो वो होगा ही. x इज इक्वल टू 14/5 into 5/7 आ जाएगा. 7 को 14 के साथ कट कर देना 2 आ जाएगा. 5 को 15 के साथ कट कर देना 3 आ जाएगा. सो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3. सो अगर हम 7/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 14/15. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स.